बरसों तक बाड़मेर को सरहदी इलाका होने के चलते अभावों की ज़मीन कहा जाता रहा है, लेकिन कहते हैं कि कुंदन तपकर ही निखरता है और इस बात को सार्थक करता है पाकिस्तान की सीमा पर बसा बाड़मेर का छोटा सा गांव तालसर। बॉर्डर के अंतिम गांव में से एक तालसर में आज भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, बावजूद इसके इस गाँव से अब तक 11 डॉक्टर बने हैं। एक दौर था जब बाड़मेर ज़िले का तालसर गांव खुद ही चिकित्सा के लिए दूसरों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन आज नज़ारा बदला सा नज़र आने लगा है। अब यहां का हर युवा डॉक्टर बनने के सपने संजोए हुए हैं। पिछले प्री मेडिकल परीक्षा के परिणामों में यहां एक साथ 5 विद्यार्थियों का चयन डॉक्टर बनने के लिए हुआ था। कच्ची पगडंडियों और देसी बनावट वाले इस गाँव में साल 2005 में डॉक्टर वीरम परमार ने गाँव का पहला डॉक्टर बनकर गाँव के बच्चों को वह प्रेरणा दी कि से डॉक्टर निकलने का सिलसिला ही शुरू हो गया है। शुरुआत 2002-03 में डॉक्टर वीरम परमार जो प्रोफेसर है मेडिसिन में जोधपुर में MDM में, उनकी प्रेरणा से ये सारा, उनकी मेहनत और उन देखकर उनसे प्रेरणा लेके ये जो तालसर में डॉक्टरों का जो नए डॉक्टर हो रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर वीरम की प्रेरणा। पारिवारिक पृष्ठभूमि से किसान है, मजदूर है, ज़्यादातर इनमें सेलेक्ट होने वाले बच्चे पाक विस्थापित लोग हैं, ना तो इनके पास खेती के लिए ज़मीन है, इनके पास जो कि अगर रोज़गार का थोड़ा बहुत सहारा है तो हैंडीक्राफ्ट का, हाथ वर्क का थोड़ा बहुत करते हैं, उसके अलावा दो तिहाड़ी की मजदूरी, उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे करके उन बच्चों को पढ़ाए। बड़ी रोचक बात है, ये बच्चे पढ़ने के साथ साथ नीट तैयारी करने के साथ साथ मजदूरी भी करते थे। बड़ा गर्व होता है उन बच्चों को देखकर, उनके माँ बाप को देखकर, जो इतने छोटे से गांव से एक बिना कोई संसाधन के, बिना कोई पैसों के नीट में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे गांव में गत साल या इस साल जब भी नीट का रिजल्ट आता है तो गांव में एक समारोह सा, शादी का माहौल हो जाता है, हम सारे लोग मिलकर खुशी मनाते हैं ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, आने वाले जो बच्चे और भी बच्चे उनके अंदर ये ऊर्जा हो कि हमारा, हम भी पढ़ें, हम भी और तैयारी करें।